स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर एंड नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे गैस्ट्राइटिस। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का जो है नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आज गैस्ट्राइटिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर डेफिनेशन। सो डेफिनेशन में जो है गैस्ट्रो का मीनिंग होता है स्टमक, ठीक है। गैस्ट्रो का मीनिंग होता है स्टमक, एनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो बोथ ऑफ दीज अगर उनको कनेक्ट करें तो क्या बनेगा कि इन्फ्लामेशन इन द स्टमक। सो इट इज़ द इन्फ्लामेशन एंड इरोजन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो आपके स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर उसकी लाइन का इरोड हो जाना, दैट इज़ गैस्ट्राइटिस। स्टमक लाइनिंग कंटेन सेल्स, ठीक है। जो स्टमक की लाइनिंग होती है यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन साइड में, जो कि आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, HCl रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं। सो जो इनकी फंक्शनिंग है वो भी जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, बिकॉज ऑफ इरोजन, ठीक है। सो डेफिनेशन यही कहती है कि इन्फ्लामेशन इन द स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना और स्टमक की जो सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं कुछ एंजाइम, एसिड एंड म्यूकस, जो कि अब फूड को ब्रेक डाउन करने में और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट इसका जो टाइप है वो है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होता है, ये सडनली होता है एंड दिस इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ये। एंड ये किससे हो सकता है कि अगर किसी ने स्पाइसी फूड खा लिया बहुत ज़्यादा, या अनहाइजेनिक फूड कोई ले रहा है, या फिर केमिकल्स की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कई सारे और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से, लाइक एच पाइलोरी बैक्टीरिया है इसकी वजह से। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है एंड इट लास्ट फॉर 24 आवर। अगर ब्लीडिंग कॉज हुई है तो 24 आवर्स के लिए ही होगी इन एक्यूट। एंड 90% केसेस में ऐसा माना जाता है कि 90% केसेस तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस के। सो एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज़ व्हाट, इट इज़ एन सडनली अकर्ड डिजीज एंड इट इज़ फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट कैन मे बी फ्रॉम ईटिंग ऑफ स्पाइसी फूड की वजह से हो सकता है, अनहाइजेनिक फूड की वजह से हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हो गई आपके एक्यूट गैस्ट्राइटिस में। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। सो क्रोनिक का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लॉन्ग पीरियड से कोई टाइम से डिजीज़ कोई चलती आ रही है, दैट इज़ क्रोनिक। सो ओल्डर पीपल में मोस्टली ये डिजीज़ जो है देखने को मिलती है स्टमक में एंड इट इज़ फॉर अपर डाइजेस्टिव सिस्टम में, लाइक जो आपका UES होता है, मीन्स ये आपका इसोफेगस है एंड दिस इज़ योर स्टमक, ठीक है। यहाँ पर जो स्फिंक्चर होते हैं, एक तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्चर होता है, एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्चर होता है। जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्चर होता है इसके क्लोज नहीं हो पाने की वजह से जो है रिफ्लक्स होगा, प्रॉपर जो है फूड जो है रिफ्लक्स करेगा आपके माउथ में, दैट इज़ इन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में, ठीक है। एंड ये दो टाइप का होता है, नॉन इरोजिव एंड इरोजिव, ठीक है। क्रॉनिक का मतलब लॉन्ग टाइम से कोई डिजीज़ का चलते आना है, गैस्ट्राइटिस एज अ डिजीज़ कंडीशन, ऐसी गैस्ट्राइटिस की कंडीशन जो कि लॉन्ग टाइम से चल के आ रही है, दैट इज़ योर क्रॉनिक। एंड जो इसमें क्या है कि लोअर जो आपका इसोफेजियल स्फिंक्चर होता है अपर वाला, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है इसमें, सो रिफ्लक्स होता है माउथ में फूड का, या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट जो भी है HCl वगैरह उनका रिफ्लक्स होता है माउथ में, ठीक है। टू टाइप्स की ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं, फर्स्ट इज़ नॉन इरोजिव एंड सेकेंड इज़ इरोजिव। तो नॉन इरोजिव की बात कर ले तो नॉन इरोजिव जो है, ठीक है, नॉन इरोजिव जो होता है ये किस वजह से होता है, ये आपका होता है कि दैट इज़ लाइक ऑटो इम्यून जैसे डिजीज होती हैं उसी तरीके से जो आपकी स्टमक है ना, जो आपकी स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं इनको जो आपका बॉडी है ये समझ लेता है फॉरेन पार्टिकल्स, जो इसके सेल्स होते हैं उसको आपका बॉडी जो है एज अ फॉरेन पार्टिकल जो है कंसीडर्ड कर लेता है। एंड फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करने के बाद ये जो है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है और आपके स्टमक की लाइनिंग को ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर देता है। सो स्टमक की लाइनिंग जब डैमेज हो जाएगी तो ये क्या है कि अपने जो एंजाइम्स हैं सिक्रीट नहीं कर पाएगा, जो इसके मेन फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाएगी, इसकी लाइनिंग डैमेज हो गई है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, दैट इज़ योर नॉन इरोजिव कंडीशन, ठीक है। नॉन इरोजिव समझ गए आप, जो स्टमक होता है उसमें क्या होते हैं कि सेल्स होते हैं, लाइक जो उसके सेल्स हैं आपकी बॉडी उसको फॉरेन पार्टिकल समझ लेगी आपके स्टमक के सेल्स को, और उस पर अटैक करने के लिए अपनी ही एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगी, और वो एंटीबॉडीज़ फिर आपकी स्टमक की लाइनिंग पर अटैक कर देंगी जिसकी वजह से स्टमक में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, दैट इज़ योर नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस।
नेक्स्ट है आपका क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का इरोजिव गैस्ट्राइटिस, ठीक है। इरोजिव मतलब इरोड हो जाना, जो आपका इसोफेगस है ठीक है, या फिर जो स्टमक की लाइनिंग है, ये क्या हो जाएंगी, इरोड हो जाएंगी, मींस खुरदरापन आ जाएगा। किस वजह से, अगर कोई पर्सन NSAID ड्रग्स का बहुत टाइम से यूज़ करता है, ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से यूज़ करते रहना, तो वो जो आपके इसोफेगस है या फिर जो स्टमक की लाइनिंग है, इसमें क्या कर देगा, इरोजन कॉज कर देगा, ठीक है, इरोजन कॉज कर देगा एंड अल्सर कॉज कर देगा। सो अल्सर होने की वजह से क्या होगा कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी एंड आपकी डिसीज़ कंडीशन यही है ना, आपकी डिजीज़ कंडीशन यही है ना, इन्फ्लामेशन इन द स्टमक एंड इसोफेगस सो एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, सो यही तो है आपकी डिजीज़ कंडीशन एंड यही हो गया इरोजिव में, ठीक है। ये था इरोजिव एंड दिस इज़ नॉन इरोजिव। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टाइप पे, जो कि है आपका एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस। एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, ये एक सीवियर इलनेस की वजह से होता है, लाइक जब पेशेंट बहुत टाइम से किसी ICU में रहता है, तो उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती। तो जब उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, तो जो उसका स्टमक है वो भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, और उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। दैट इज़ योर एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस, ठीक है, सीवियर इलनेस की वजह से या इंजरी की वजह से होता है। एंड मोस्टली पेशेंट जिनको रीनल फेलियर है, न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा है एंड रेस्पिरेटरी फेलियर है, उन पेशेंट्स में ये वाला जो गैस्ट्राइटिस का टाइप है मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। सो आपका थर्ड टाइप था एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट आपका फोर्थ टाइप है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोफिक का मतलब होता है थिन, ठीक है, एट्रोफिक का मतलब हो गया थिन हो जाना, जो आपकी म्यूकोजल लाइनिंग है स्टमक की, दैट बिकम व्हाट, थिन, ठीक है, वो लाइनिंग जो है पतली हो जाएगी एंड जो उसके जो सेल्स होते हैं ना, यहाँ पर जो स्टमक में सेल्स होते हैं, ये भी लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये लॉस्ट हो जाएंगे, तो ये जो है एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा और फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉज्ड बाय ऑटोइम्यून डिजीज ऑर्डर्स, ठीक है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से ये वाला जो है गैस्ट्राइटिस होता है। और इसमें क्या होता है, ये रहा आपकी जो थिन हो जाती है म्यूकोजल लाइनिंग जो है वो थिन हो जाती है एंड जो सेल्स होते हैं ना, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम या फिर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं। एंड इट मे बी, क्यों हो सकता है ये, आपका पेरिटोनाइटिस की वजह से हो सकता है एंड अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी जो है ये वाली जो गैस्ट्राइटिस है वो हो सकता है। सो फोर्थ है आपका एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं गैस्ट्राइटिस के, सो कॉजेस इसके हो सकते हैं, फर्स्ट तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पेन किलर्स का ज़्यादा यूज़ करना ओल्डर एज में होता है, ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ करना, स्मोकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से होता है। सो हमने टाइप्स देखे, एक बार टाइप को रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा एक्यूट गैस्ट्राइटिस, देन हमने देखा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक के हम अंदर हमने दो देखे, एक इरोजिव और एक नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस, है ना। उसके बाद हमने देखा एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस एंड उसके एक और देखा था कौन सा, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस एंड एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस, ठीक है। सो हमने चार टाइप्स देखे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। सो पैथोफिजियोलॉजी में मैंने इसमें दो पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूड करी है, जो भी आपको ईजी लगे आप उसको लिख सकते हैं। सो फर्स्ट वाली तो जो पेप्टिक अल्सर वाली पैथोफिजियोलॉजी, वही वाली सेम है, आप उसको चाहें तो यहाँ पर लिंक मैं आपको दे दूँगी पेप्टिक अल्सर का, आप उसमें भी जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, जो एच पायलोरी बैक्टीरिया होता है वो एंटर कर जाता है स्टमक के अंदर, देन माउथ के थ्रू, देन स्टमक के अंदर एंटर करने के बाद, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसके पास होता है फ्लैजिला, जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट करता है स्टमक के अंदर। एंड स्टमक के अंदर आने के बाद फिर वो क्या करता है, जो म्यूकोजल लाइनिंग है उस पर आकर के अटैच हो जाता है, ड्यू टू उसके फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट करता है। एंड अटैच होने में दो टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं, दो प्रोटीन उसकी मदद करते हैं, एक तो BA एंड SA BA, दीज आर द प्रोटीन जो कि उसकी एडहेशन में, म्यूकोजल जो लाइनिंग है उससे एडहेशन में हेल्प करते हैं। सो आपका यहाँ तक हो गया कि बैक्टीरिया ने स्टमक में एंटर कर लिया और एंटर करने के बाद स्टमक में आकर के वो अब म्यूकोजल जो लाइनिंग है उसमें वो अटैच भी हो गया है। नेक्स्ट, अटैच होने के बाद जो बैक्टीरिया है वो प्रोडक्शन करता है अमोनिया का, अमोनिया का प्रोडक्शन वो अपने चारों तरफ कर लेता है, दिस इज़ योर बैक्टीरिया फ्लैजिला, ठीक है, अमोनिया का प्रोडक्शन उसने कर लिया है बाय बैक्टीरियल यूरिया, ठीक है, बैक्टीरियल यूरिया के थ्रू उसने अमोनिया का प्रोडक्शन कर लिया है लार्ज अमाउंट में, ताकि उसने अपना एनवायरनमेंट सेट कर लिया है। अब वो अपने एनवायरनमेंट को सेट कर चुका है स्टमक में रहने के लिए, दिस इज़ योर स्टमक एंड बैक्टीरिया ने अपना एनवायरनमेंट सेट कर लिया है। एंड स्टमक में होता है व्हाट, HCl, ठीक है, HCl होता है स्टमक में। नाउ HCl एंड दिस,
HCl और जो अमोनिया है ये क्या करेगा, अमोनिया जो है HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। एंड स्टमक का जो pH है अब वो न्यूट्रलाइज हो गया है, एंड न्यूट्रलाइज होने की वजह से जो आपका ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, नाउ ईजिली सर्वाइव करने लग जाएगा, उसने अपना एनवायरमेंट बना लिया और सर्वाइवल भी करने लग जाएगा। जैसे ही वो सर्वाइव करेगा तो सर्वाइव करने के बाद वो डैमेज स्टार्ट कर देगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी, म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस जो लेयर है आपकी स्टमक में, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। सो उसने डैमेज करना स्टार्ट कर दिया एंड दैट विल लीड वॉट पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्राइटिस, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट में बताया, आप चाहें तो इसका फुल डिस्क्रिप्शन पेप्टिक अल्सर वाले वीडियो में है, मैं उसका लिंक जो है आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, एंड आई बटन जो यहाँ पर आ रहा होगा वहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो आप वहाँ जाकर पेप्टिक अल्सर वाला वीडियो देख लें, ठीक है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी जो मैंने इसमें इंक्लूड करी है गैस्ट्राइटिस में, उसको आप ध्यान से सुने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, ठीक है। किसी कोई इंसान अगर अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करता है, या फिर वो NSAID ड्रग्स का यूज़ करता है ज़्यादा, या फिर बाइल रिफ्लक्स हो रहा है उसको ज़्यादा, या फिर रेडिएशन थेरेपी यूज़ हो रही है, ठीक है, इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से क्या होगा, जो गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एंडिमेटस हो जाएगी एंड हाइपरेमिक हो जाएगी, ठीक है। नाउ जब मेम्ब्रेन जब आपकी एंडिमेटस हो गई है तो उसके वजह से क्या होगा, आपको पता है कि इरोजन होगा, ठीक है, जो म्यूकोजल लाइनिंग मतलब सुपरफिशियल जो लाइनिंग है स्टमक की, वहाँ पर इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, इरोजन होना स्टार्ट होगा। नाउ स्कैंटी अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जो है जूस सिक्रीट होगा विद इंक्रीज अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड ज़्यादा होगा उसमें एंड म्यूकस जो है कम होगा, ठीक है, एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होगा एंड म्यूकस का सिक्रीशन कम होगा। अब स्टमक के अंदर सोच एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाएगा, तो एसिडिक एनवायरनमेंट बनने की वजह से क्या होगा, अल्सर हो जाएगा, सुपरफिशियल अल्सरेशन हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि ब्लीडिंग भी हो जाए, है ना, ब्लीडिंग भी हो सकती है दैट। अब ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका इंट्रासेल्युलर pH, क्योंकि HCl जो है जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो आपका इंक्रीज हो गया है, एंड इम्पेयर्ड एंजाइम फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, एंजाइम की जो फंक्शनिंग है सही से नहीं होगी, डिस्टर्ब्ड सेल्युलर स्ट्रक्चर होगा, इशीमिया हो सकता है, वास्कुलर स्टेसिस हो सकता है एंड टिश्यू की डेथ भी हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये सारी चीज़ें मिल करके आपका गैस्ट्राइटिस कॉज कर रही हैं, ठीक है। सो ये थी एक पैथोफिजियोलॉजी, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखिए क्या होगा कि किसी भी रीज़न की वजह से, लाइक कोई अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, ठीक है, अल्कोहल का यूज़ करता है कोई, या फिर कोई ड्रग का यूज़ करता है बहुत लॉन्ग टाइम से, तो ये क्या करेंगे, जो आपकी लेयर है उसको एंडिमेटस बना देंगे, मीन्स आपकी लेयर को थिन मान लीजिए या फिर वीक मान लीजिए, उसको वीक कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पर ईजिली इरोजन कॉज हो जाएगा। नाउ ईजिली जो वो लेयर है वो इरोड हो गई। नाउ इरोजन कॉज होने के बाद क्या होगा, इरोजन कॉज होने के बाद जो आपकी लेयर है वहाँ पर जो स्टमक है वहाँ पर अब सिक्रीशन होगा इंक्रीज अमाउंट में एसिड का, एसिड का सिक्रीशन स्टमक में ज़्यादा होगा और म्यूकस का सिक्रीशन स्टमक में कम होगा। नाउ अब जब सिक्रीशन हो रहा है तो एसिड क्या करेगा, उसमें हैमरेज कॉज कर देगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, हैमरेज कॉज कर रहा है और अल्सर भी कॉज कर रहा है, तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। एंड एट द लास्ट क्या हो रहा है, जो स्टमक है उसका pH इंक्रीज़ हो रहा है, जो एंजाइम की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, है ना, जो भी स्टमक की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो सारी ना डिस्टर्ब हो गई है। एंड जब भी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है तो क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इरोजन, क्योंकि इरोजन हुआ है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन भी हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या कॉज कर रही हैं, गैस्ट्राइटिस कॉज कर रही हैं, ठीक है। ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, पेशेंट को इनडाइजेशन होगा, ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होगी, हिकअप्स आ सकते हैं पेशेंट को, ब्लैक स्टूल होगा, फीवर एंड वीकनेस होगा, स्टमक क्रैम्पिंग होगा, सोर थ्रोट इन द माउथ होगा, सोर टेस्ट ऑफ द माउथ होगा, पेल हर हो जाएगी, स्किन स्वेटिंग होगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा, रैपिड हार्ट बीट हो जाएगा एंड वॉमिटिंग होगा विद ब्लड, ठीक है। गैस्ट्राइटिस में ये सारी चीज़ें जो हैं पेशेंट को हो सकती हैं साइन एंड सिम्टम्स से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या होगा, हम पेशेंट का करते हैं CBC, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, दैट इज अ ब्लड टेस्ट इन विच वी डन व्हाट, प्लेटलेट्स, WBCs, RBCs, मींस कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, हाइपर एच पाइलोरी टेस्ट करेंगे, मींस जो बैक्टीरिया है उसका टेस्ट करेंगे, ईसोफेजो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी करेंगे, EGD करेंगे, ठीक है, ईसो
फेजियल मोनोमेट्री करते हैं, पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं अगर ज़्यादा डिजीज़ कंडीशन ज़्यादा फैल रही है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो वैन वी विल गो फॉर बायोप्सी। देन हम पेशेंट का एक्सरे कर सकते हैं, LFT कर सकते हैं, RFT कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। LFT स्टैंड फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट, RFT स्टैंड फॉर रीनल फंक्शन टेस्ट। येस, नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को देते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर, नेक्स्ट हम उसको देते हैं एंटा एसिड्स देते हैं, नेक्स्ट एच पाइलोरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट देते हैं उसको, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देते हैं, NSAIDs ड्रग्स देते हैं, एंटी एमिटिक्स ड्रग्स देते हैं वॉमिटिंग को रोकने के लिए, H2 ब्लॉकर्स देते हैं एंड साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट देते हैं, ठीक है। ड्रग्स में देखिए हम उसको प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे रहे हैं क्योंकि जो उसका एसिड जो एनवायरमेंट है स्टमक का अभी इंक्रीज है ना पीएच, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम उसको क्या दे रहे हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे रहे हैं। एंटा एसिड्स दे रहे हैं क्योंकि एसिडिटी हो रही है पेशेंट को। नेक्स्ट एच पायलोरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हम उसको दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं अगर किसी बैक्टीरियल से इन्फेक्शन है तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को। NSAID ड्रग दे रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ज़्यादा यूज़ करने से ये हुआ है, बट अगर पेशेंट ने यूज़ नहीं किया है किसी और रीज़न से उसको एच पायलोरी इन्फेक्शन हुआ है मान लीजिए, तब हम उसको अगर इन्फ्लेमेशन हुई है तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए NSAID ड्रग हम उसको देते हैं। एंटी एमिटिक्स ड्रग देंगे फॉर प्रिवेंटिंग वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको एंटी एमिटिक्स ड्रग देते हैं, H2 ब्लॉकर देते हैं एंड साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट देते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल मेडिकल मैनेजमेंट। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा, अगर आपको वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को एंड कमेंट एंड शेयर ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड यस, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहे। कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडी।